एक्टिव ट्रांसपोर्ट विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसमें मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध गति करते हैं। यह डिफ्यूजन तथा ऑस्मोसिस के विपरीत होती है तथा यह नेचुरल डायरेक्शन में नहीं होता है तथा इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरियर द्वारा किया जाता है। यह प्रोटीन कैरियर कोशिका झिल्ली में ही उपस्थित होते हैं। इन प्रोटीन कैरियर में मॉलिक्यूल से जुड़ने के लिए स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है। सब्सटेंस प्रोटीन कैरियर से लो कंसंट्रेशन वाली साइट पर जुड़ते हैं तथा रेस्पिरेशन से मिलने वाली ऊर्जा का उपयोग कर प्रोटीन कैरियर से जुड़े तत्व झिल्ली के दूसरी तरफ जहाँ हाई कंसंट्रेशन है धकेल दिए जाते हैं।